आज जर आपण असं म्हटलं, अगर मैं ऐसा कहूं कि भारत की 75% लिक्विडिटी यहां बैठी हुई है, ये जो सारे हमारे बैंकर्स यहां पर बैठे, दे अकाउंट फॉर 75% ऑफ द लिक्विडिटी ऑफ आवर नेशन। तो इतने भारी सारे लोग, मतलब वजन से मैं ज्यादा भारी हूं, लेकिन ओहदे से और बाकी उनके सारे कार्य से इतने बड़े और भारी लोग यहां पर आज हमारे बीच आए, तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही सुंदर इस प्रकार का ये आयोजन यहां पर हुआ है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये तो हमने बिजनेस कम्युनिटी की बात की, लेकिन फाइनेंशियल इंक्लूजन ये हमारे देश में एक बहुत सटल क्रांति है, एक बहुत ही धीरे धीरे एक ऐसी क्रांति फाइनेंशियल इंक्लूजन के माध्यम से हो रही है, जिससे हम लोग अधिकारिता दे रहे। देखिए, आप विचार कर सकते हैं कि जनधन में हमने 46 करोड़ अकाउंट खोले, इसका मतलब क्या होता है? द एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अराउंड 90 करोड़ और 98 करोड़, उसमें से 50% लोगों के अकाउंट्स अब जनधन में खुले। इसका मतलब यह है कि हमारी जो एडल्ट पॉपुलेशन है, उसमें से 50% लोग ऐसे थे जिन्होंने कभी भी बैंक का चेहरा नहीं देखा था, जिनको बैंक पता नहीं था, जो किसी भी फाइनेंशियल इंक्लूजन में नहीं थे। और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कार्यप्रणाली है, उस कार्यप्रणाली को अगर हम लोग ठीक से असेस करें, तो हमारे ध्यान में आएगा कि देश में योजनाएं कई बनी और कई सालों से बनी और भिन्न भिन्न गवर्नमेंट्स ने बनाई, लेकिन किसी भी योजना को कारगर रूप से कार्यान्वित करना, ये जिस प्रकार से मोदी जी ने करके दिखाया, अभी हम लोग देख सकते हैं कि गरीबी हटाओ का नारा ये हमारे देश में सबसे पहले इंदिरा जी ने दिया था, और उसके बाद सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ये गरीबी हटाओ का नारा देती रही, लेकिन हम गरीबी हटा नहीं पाए। स्कीम्स बनी, बहुत अच्छी स्कीम्स बनी, लेकिन वो आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाई। आप सभी को याद होगा, एकदा राजीव गांधी ने अपने भाषण में सांगितलं होतं कि मैं दिल्ली से अगर 1 रुपया भेजता हूं तो आखिरी आदमी तक 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे हमारी सिस्टीम खा जाती है। आणि त्यावेळेस खूप टीका झाली, त्यानंतर आम्ही देखील भाषणांमध्ये त्याच्यावर भरपूर टीका केली, पण ते वास्तव होतं, दॅट वॉज रियालिटी, की आपल्या देशातली डिलिव्हरी सिस्टीम अशी होती की ज्या सिस्टीममध्ये 1 रुपया पाठवल्यानंतर त्यातले 15 पैसे पोचायचे आणि 85 पैसे हे सिस्टीममध्ये जायचे, आणि मग कितीही गरीब कल्याणाच्या योजना तुम्ही तयार केल्या तरी देखील त्या योजना या अशा प्रकारच्या भ्रष्टाचारात संपून जायच्या। आणि म्हणून मोदीजींनी पहिले काय केलं, तर ज्याचा उल्लेख या ठिकाणी केला, जॅम ट्रिनिटी, म्हणजे जनधन, आधार आणि मोबाईल, एक असं त्या ठिकाणी इंटरफेस तयार केलं याच्या माध्यमातून की ज्यातनं प्रत्येक व्यक्ती युनिक झाला, त्या युनिक माणसाकरता युनिक अकाउंट झाला, त्या युनिक अकाउंट करता एक आयडेंटिटी झाली, आणि मग निघालेला पैसा हा राज्यामध्ये आला नाही, हा कुठल्या व्यक्तीकडे, हा कुठल्या सिस्टीमकडे आला नाही, दिल्लीहून थेट पैसा तो जर माझ्या नावाने निघाला तर माझ्याच खात्यात गेला, तो बंडूच्या नावाने निघाला तर बंडूच्या खात्यात गेला, खंडूच्या नावाने गेला तर खंडूच्या खात्यात गेला, अजून तिसऱ्याच्या नावाने निघाला तर तिसऱ्याच्याच खात्यात गेला। हा जो काही एक इंटरफेस तयार झाला, या इंटरफेसमुळे 1 रुपया निघाला तर 1 रुपया शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचला, त्यातले 85 पैसे कोणालाही मारता आले नाही, खाता आले नाही, आणि म्हणून पहिल्यांदा इम्प्रूव्हमेंट इन द डिलिव्हरी सिस्टीम, डिलिव्हरी सिस्टीम बदलण्याचं काम, ती इम्प्रूव्ह करण्याचं काम हे माननीय मोदीजींनी केलं।